जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके चैनल के सीएल ट्यूटोरियल में। और हम लोग बात करेंगे आजकल फार्माकोलॉजी का जो लेक्चर नंबर 2 है यूनिट नंबर 3 का। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात किया था, उसकी हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन की बात किया था। आज उनके सभी ड्रग्स के बारे में शॉर्ट नोट डिस्कस करेंगे, जिसको कि आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन, फिर से देख लेते हैं कि आपको याद होगा हमने दो कैटेगरी में बांटा था इस पूरे टीबी के ड्रग को, एक फर्स्ट क्लास एक सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन ड्रग जो होता है हाईली इफेक्टिव था, लेस साइड इफेक्ट थे, और दूसरे वाले में लेस एक्टिव और मोर साइड इफेक्ट था, ये सेकंड लाइन ड्रग थी। तो पहले हम लोग फर्स्ट लाइन ड्रग की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट लाइन ड्रग में जो पहला ड्रग है वो है दोस्तों आइसोनियाजिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग, एग्जाम में दो बार पूछा गया है। तो आइसोनियाजिड के बारे में लिखना है तो आपको पहले स्ट्रक्चर बनाइए। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, इसमें आइसोनियाजिड रिंग है, आप देखिए यहाँ पे पिरिडिन रिंग है, पिरिडिन रिंग के साथ यहाँ पे CONSNH2 हाइड्राजाइड मॉलिक्यूल लगा हुआ है। तो इसका केमिकल नेम होता है आइसोनिकोटेनिक एसिड हाइड्राजाइड, इसको लिख सकते हैं पहला पॉइंट, द आइसोनियाजिड मॉलिक्यूल्स द केमिकल नेम इज आइसोनिकोटेनिक एसिड हाइड्राजाइड, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट एक्टिव ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। आपको पता है कि टीबी के लिए जो सब इलाज किए जाके सबसे अच्छी दवा होती है। अगली प्रॉपर्टी है कि वाटर में बहुत अच्छी सॉल्युबल होते हैं, और ये बैक्टेरिसाइडल होते हैं, यानी कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं टीबी को उनको ये किल करते हैं। दिस इज द बैक ग्रोइंग ट्यूबरसिली बैसिल, ठीक है। ये लेस इफेक्टिव होते हैं, थोड़ा सा एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज, यानी कुछ जो एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज के बैक्टीरिया होते हैं ये उनके खिलाफ थोड़ा सा कम असरदार होते हैं, लेकिन टीबी के बैक्टीरिया के खिलाफ ये बहुत ही ज़्यादा असरदार होते हैं, ठीक है। ये कैसे काम करते हैं, ये मैक्रोफेजेस के अंदर एंट्री करते हैं, बैक्टीरिया के आगे जूझते हैं, और वहाँ पे जाके एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों को किल करते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, देखिए आपको पता है दोस्तों कि जो टीबी के बैक्टीरिया होते हैं उन टीबी के बैक्टीरिया के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो मिक्स का बना होता है, माइकोलिक एसिड का बना होता है, ठीक है। इसलिए इसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर माइकोलिक एसिड का एक खास कवरिंग होता है, और जो माइकोलिक एसिड होता है वो क्या करते हैं, एक एंजाइम होता है माइकोलिक एसिड सिंथेस, इसके द्वारा ही बनाया जाता है। तो क्या करता है कि ये जो हमारा एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक कैसे करता है आइसोनियाजाइड, ये माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को ही रोक देता है। क्या करता है ये, क्या करता है कि माइकोबैक्टीरियम के खिलाफ हाईली सिलेक्टिव होता है, ये क्या करता है माइकोबैक्टीरिया के अंदर घुसता है, वहाँ पे जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और फिर वहाँ के एंजाइम से बाइंड करके वहाँ पे माइकोलिक एसिड्स के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। और जब माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिट होता है तो सेल वॉल नहीं बनता है, बहुत वीक बनता है, जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस कैसे डेवलप हो जाते हैं इस मेडिसिन का, अगर इस मेडिसिन का जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या होता है इसका प्रोडक्ट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, अगर इसका रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है तो वो एंजाइम कैटलिस्ट परोक्सीडेज होता है, क्या होता है एंजाइम, वो जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है ये एंजाइम एक्टिवेट होता है। लेकिन अगर यहाँ पे जब ये बैक्टीरिया म्यूटेशन कॉज कर लेता है और इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, उस केस में इसका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, फिर हमको सेकेंड लाइन ड्रग देनी पड़ती है, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की, कैसा है, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहली बात भाई बात करना होता है कि इसमें ADME यानी कि एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के बारे में। तो एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये रेडिली एब्जॉर्ब होता है GIT ट्रैक्ट से, ठीक है, इसको बॉडी फ्लूड और टिश्यू में जाके ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसका मेटाबॉलिज्म बेसिकली एसिटाइलेशन प्रोसेस के द्वारा होता है लीवर में एन एसिटिल ट्रांसफेरेज एंजाइम की सहायता से। दूसरा इसकी हाफ लाइफ की बात करें तो करीब 3 घंटे का इसका हाफ लाइफ होता है। उसके बाद एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू होता है, इसको कभी भी रीनल फेलियर की से कोई दिक्कत नहीं होती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन जो होता है इसका, कुछ पेशेंट में अगर हेपेटिक इनसफिशेंसी है तो उन केसेस में ये कॉन्ट्राइंडिकेशन शो कर सकता है। बात करते हैं क्लिनिकल यूज़ का कि आइसोनियाजाइड का क्लिनिकल यूज़ कैसे है। तो मार्केट में जो एसिटेजिड है ये 5 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से दिया जाता है, या 10-15 किलो तक दिया जाता है। एडल्ट डोज करीब 300 मिलीग्राम पर ओरल का आता है। पिरिडॉक्सिन 25 से 50 mg इसके साथ लगाया जाता है ताकि इसके एडवर्स इफेक्ट को कम किया जा सके, हमेशा इसके साथ पिरिडॉक्सिन दिया ही दिया जाता है। उसके साथ साथ देखा जाए तो उसमें लैटरल ट्यूबरक्लोसिस में अगर किसी पेशेंट को लैटरल ट्यूबरक्लोसिस है तो उसका डोज जो होता है वो 900 मिलीग्राम दिन में 2 बार होता है 9 महीने के लिए, ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा सीरियस अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो। एडवर्स रिएक्शंस की बात करें तो इसका एडवर्स रिएक्शन डिपेंड करता है कि आपने दवा कितने दिन तक खाई है, आपने 3 हफ्ते 4 हफ्ते खाई है या 3 महीने 9 महीने खाई है, तो उस पर डिपेंड करता है। 2 प्रकार के एडवर्स रिएक्शन हो सकते हैं, एक इम्यूनोलॉजिकल और दूसरा डायरेक्ट टॉक्सिसिटी। तो इम्यूनोलॉजिकल में क्या होगा, आपकी स्किन में कुछ इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे, जैसे कि फीवर, स्किन रैशेज, ओके, ये हमें अक्सर दिखाया जाता है। इसके साथ साथ आपके
ड्रग इंड्यूस्ड सिस्टेमिक लैपस एरिथ्रोमेटस भी आपको दिखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लीजिएगा कि किसका साइड इफेक्ट है। चार ऑप्शन देगा तो आपको याद करना है कि आइसोनियाजाइड का ये आपका साइड इफेक्ट है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस। डायरेक्ट टॉक्सिसिटी की बात करें तो जैसे होता है कि लीवर पे ज़्यादा इफेक्ट करता है, वहाँ पे हेपेटाइट, नोजिया, वोमिटिंग, जॉन्डिस ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति दारू पी रहा है बहुत ज़्यादा या प्रेगनेंसी है, पोस्टमार्टम पीरियड है, उस केस में उसको हेपेटाइटिस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरा ड्रग, दिस इज का रिफाम्पिन, या इसको रिफाम्पिसिन भी कहते हैं। तो रिफाम्पिन इसका शॉर्ट नेम है, रिफाम्पिसिन भी कहते हैं। रिफाम्पिन एक दूसरा सबसे बेहतरीन ड्रग है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। जिस पेक्जुल और रिफाम्पिन एसोनियाजिड के साथ ही दिया जाता है, ये एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव कैसे बनाया गया है, ये एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरेनी, इस बैक्टीरिया के द्वारा ही इसको प्रिपेयर किया गया, इट इज अ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव। ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव और कुछ एंटेरिक बैक्टीरिया, माइक्रो बैक्टीरिया और क्लेमाइडी बैक्टीरिया, इन सब के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा ही एक्टिव होता है। लेकिन करीब एक से 1 × 10^6 ऑर्गेनिज्म में किसी किसी में रेजिस्टेंस शो करता है। और रैपिडली इसको हम लोग यूज़ करते हैं जो सिंगल ड्रग, लेकिन ये हमेशा कॉम्बिनेशन में देते हैं आइसोनियाजिड के साथ, तो ये ज़्यादा अच्छा काम करता है। इसके साथ भी कोई प्रकार का रेजिस्टेंस इसमें जल्दी देखा नहीं जाता है। हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे काम करता है। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये बैक्टीरिया के अंदर एक होता है आरएनए सिंथेसिस, यानी प्रोटीन का सिंथेसिस होना बैक्टीरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैक्टीरिया अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा। और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए सिंथेसिस का होना जरूरी है, और आरएनए सिंथेसिस के लिए एक एंजाइम होना जरूरी है जिसका नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो आप मुद्दा समझ चुके होंगे। जी हाँ, ये जो आपका बैक्टीरिया है रिफाम्पिसिन, ये क्या करता है, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। जब उसको ब्लॉक करेगा तो आरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा, जब आरएनए सिंथेसिस नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा और बैक्टीरिया धीरे धीरे मरने लगते हैं। ये इसका सिंपल सा मोड ऑफ एक्शन है। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की, कैसे काम करता है कि ये वेल भाई एडीएमई यानी एब्जॉर्प्शन की बात करें तो बहुत वेल एब्जॉर्ब होता है, ओरली दिया जाता है और लीवर और बाइल के साथ एक्सक्रीट हो जाता है। इंट्रोहेपेटिक रिसर्कुलेशन भी हो सकता है। ठीक है, बल्क में ये एक्सक्रीट होता है, इसका मेटाबॉलिज्म एसिटाइलेशन के द्वारा होता है। बाकी डोज एडजस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं डोज को, इसके रिनल और हेपेटिक प्रॉब्लम को देखते हुए। पूरे बॉडी फ्लूड में डिस्ट्रीब्यूशन होता है और हाई प्रोटीन बाइंडिंग इसमें देखी जाती है। क्लिनिकल यूज़ की बात की जाए तो एंटी ट्यूबरक्लोज होता है वो 6 मंथ तक इस पेशेंट को दिया जाता है, और उनके बॉडी के हिसाब से 10 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से ओडी दिन में एक बार करीब 6 महीने तक दिया जाता है, जिससे पेशेंट को जिसको एंटी ट्यूबरक्लोटर ड्रग के रूप में, अगर जिसको ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, कुछ एटिपिकल माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस में और लेप्रोसी में भी रिफाम्पिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी उसका डोज देखा जाए तो करीब 600 मिलीग्राम दिन में 2 बार खिलाया जाता है, जिनको मेनिंजोकोकल कैरिज होता है, यानी जैसे कि ब्रेन में अगर की प्रॉब्लम्स हो गई है। ठीक है, अगर किसी को इन्फ्लुएंजा टाइप बी डिजीज़ है तो उसमें भी ये ड्रग इसका यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका जो डोज होता है वो 20 mg/kg के हिसाब से होता है। बाकी कुछ सीरियस स्टेफलोकोकस इन्फेक्शन है, जैसे कि ऑस्टियोमेलाइटिस है, प्रोस्थेटिव वॉल इंटरकार्टिस है, इस केस में भी इस रिफाम्पिसिन ड्रग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एडवर्स रिएक्शन का, तो एडवर्स रिएक्शन होगा, सबसे खास एडवर्स रिएक्शन फेमस है कि ऑरेंज यूरिन का कलर हो जाता है। अगर आप इस दौर इस बार रोज कर रहे हैं तो आपके यूरिन का कलर कुछ कुछ ऑरेंज हो जाएगा, स्वेटिंग होगी और टीयर्स होंगे। ये आपको ध्यान देना है कि यूरिन, स्वेट और टीयर्स तीनों ही कुछ ऑरेंज हो जाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है कि ऑरेंज साइड यूरिन साइड इफेक्ट किसका होता है एडवर्स इफेक्ट, ये हमारे रिफाम्पिसिन का होता है। ठीक है, ओकेजनल कुछ एडवर्स इफेक्ट है जैसे कि रैसेस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, नेफ्राइटिस यानी कुछ एलर्जिक रिएक्शन है, कोलेस्ट्रिक जॉन्डिस, ओकेजनली हेपेटाइटिस, लॉन्ग चेन प्रोटीन्यूरिया, फ्लू लाइक सिम्टम्स, चिल्स, फीवर, एनीमिया, ये इसके कुछ अदर साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट होते हैं। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट देखा जाएगा जो मोस्ट साइटोक्रोम P450 आइसोफॉर्म एलिमिनेट ऑफ न्यूमरस अदर ड्रग्स। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ और भी ड्रग्स हैं, अगर इसके साथ लेते हैं तो ये उनके बॉडी में मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर सकता है, जैसे कि मेथाडोन, एंटीकोगुलेंट, साइक्लोस्पोरिन, एंटीकन्वल्जेंट, प्रोटीन इनहिबिटर। ठीक है, ये सारे ड्रग के साथ ही साइड इफेक्ट कर सकता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कर सकता है। चलिए बात करेंगे हम अगले ड्रग की, दिस इज नॉन एथेम्ब्यूटॉल, शॉर्ट फॉर्म इसको ETB कहते हैं। ये भी आपके फर्स्ट लाइन ड्रग है एंटी ट्यूबरक्लोसिस का, एक इंपॉर्टेंट अगला ड्रग है। तो एथेम्ब्यूटॉल जो होता है एक तरह का सिंथेटिक ड्रग है, वाटर सॉल्युबल है, हीट स्टेबल है
और ये डाई हाइड्रोक्लोराइड के साथ साल्ट के साथ हमेशा दिया जाता है। एथेब्रोडाल डाई हाइड्रोक्लोराइड के फॉर्म में मार्केट मिलेगा। इसका नेचर बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, यानी बैक्टीरिया की संख्या को रोकता है। इसके साथ साथ ये स्पुटम कन्वर्जन के रेट को भी ये बहुत कम कर देता है। इससे होता है ना, जो पेशेंट होते हैं टीबी के, वो जब बात करते हैं बलगम निकलता है, स्पुटम निकलता है, तो वो दूसरों को इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन एथेब्रोडाल के इस्तेमाल से उनके स्पुटम रिलीज की संख्या को काफ़ी तक कम कर सकते हैं। रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाते हैं और इसको हमेशा रियाजाइड के RHS यानी कि रिफॉर्मेसिन हाइड्रोक्लोरथाइजाइड के साथ दिया जाता है। ठीक है, RHZ का मतलब हाइड्रोक्लोरथाइजाइड रिफॉर्मेसिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये एक माइकोबैक्टीरिया के अंदर जो एराबिनोलिसिल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, जो कि एसेंशियल कंपोनेंट है माइकोबैक्टीरिया सेल वॉल के। इसमें आपको बताया था कि जो सेल वॉल है टीबी के बैक्टीरिया का, वो बना होता है माइकोलिक एसिड का, और माइकोलिक एसिड के बनने के लिए एराबिनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके जो बैक्टीरिया एंजाइम है ये क्या करता है, जो ड्रग है एथेब्रोडाल, ये एराबिनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम को ही इनहिबिट कर देता है, जिससे कि आपके टारगेट जीन में अल्टरेशन होता है और वहाँ पे जाके हमारा जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बंद हो जाता है अमीनोग्लाइकॉन का, और सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट होती है, जिससे बैक्टीरिया की संख्या बनना बंद हो जाती है और बैक्टीरिया ब्लॉक बंद हो जाते हैं। ठीक है, लगातार अगर आप जीन टारगेट अल्टरेशन करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डेवलप हो सकता है। अलग किसी अदर ड्रग के साथ क्रॉस रेजिस्टेंस इसमें नहीं देखा गया है। ठीक है, बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक की, तो वेल अब्जॉर्ब होता है हमारे GIT से। ओके, 20% जो ड्रग एक्सीट होता है लैटरिन के द्वारा, फिशेस के द्वारा, और 50% यूरिन में अनचेंज्ड फॉर्म में एक्सीट होता है। ठीक है, क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से पार कर सकता है, लेकिन इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है मेनिंजेस में। टेम्परेरी स्टोर होता है RBC में, हाफ लाइफ करीब 4 घंटे का है। ठीक है, और रीनल फेलियर भी हो सकता है अगर इसका इस्तेमाल सही से ना किया जाए। क्लिनिकल यूज सिंपल सी बात है, एथेब्रोडाल हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल ये 15 से 25 मिलीग्राम पर केजी की डोज के हिसाब से मिलता है, जिसका ट्रीटमेंट के ट्यूबरक्लोसिस और मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और डोज शेड्यूल 50 mg पर केजी के हिसाब से हम दिन में 2 बार भी इसको कर सकते हैं। एडवर्स रिएक्शन देखा जाए तो रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस हो सकता है, यानी कि न्यूरॉन्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ कंट्रा इंडिकेट होता है बच्चों में, अगर इसको बच्चों के विजुअल एक्टिविटी यानी देखने में भी लाल हरे रंग में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, अगर इस ड्रग का इस्तेमाल बच्चों में किया जा रहा है तो। अगली ड्रग है फर्स्ट लाइन ड्रग की, जिसको बोलते हैं पायराजिनामाइड। तो पायराजिनामाइड आप ही देख रहे हैं स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके सामने जो बना है, पायराजिनामाइड शॉर्ट फॉर्म PZA बोलते हैं। ये निकोटिनामाइड का रिलेटिव है, क्योंकि निकोटिनामाइड क्लास का ही ड्रग है, और ये स्टेबल है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है, लेकिन ये एक तरह का वीक बेसिक ड्रग है। ये न्यूट्रल pH पे काम करता है, pH 5.5 पे ये ट्यूबर्स की बैक्टीरिया को इनहिबिट करते हैं, माइक्रोफेजेस में क्या कर लिया जाता है, और हाईली इफेक्टिव होते हैं शुरू के 2 महीने के थेरेपी के दौरान। इसका मैकेनिज्म कैसे काम कर सकता है, ये पायराजिनामाइड जो हम किसी बॉडी में देते हैं तो ये बैक्टीरिया के शरीर के अंदर जाता है, और बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले पायराजिनामाइडेस, ये बैक्टीरिया के अंदर का एंजाइम होता है माइकोबैक्टीरियल पायराजिनामाइडेस, उसके के सहायता से ये पायरोजेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। पहला काम जो पायराजिनामाइड को दिया, बैक्टीरिया के अंदर जाके ये पायरोजेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और वहाँ पर जाकर यह फैटी एसिड सिंथेसिस को इनपुट करता है। ठीक है, जिससे फैटी एसिड सिंथेसिस जब स्टॉप हो जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा और बैक्टीरिया वहाँ पर किल जाता है। ये इसका सिंपल सा मोड ऑफ एक्शन है। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो वेल अब्जॉर्ब होता है GIT से, वाइटली डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी टिश्यू में। ठीक है, हाफ लाइफ करीब 8 से 11 घंटे का, मेटाबॉलिज्म लीवर के द्वारा, मेटाबॉलिज्म रिनरी किडनी के द्वारा भी होता है, और कोई भी क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं देखा जाता है। क्लिनिकल यूज की बात करें तो रिफॉर्मेसिन और आइसोनियाजिड के साथ मिलाकर के इसका यूज किया जाता है। इसका नॉर्मल डोज जो है वो 40 से 50 मिलीग्राम पर केजी है, थ्राइस वीकली और ट्वाइस वीकली होता है मैनेजमेंट के हिसाब से, और हाइमोडायलिसिस पेशेंट अगर कोई क्रिएटिनिन क्लियरेंस का, तो उसमें जो है डोज है वो 30 ml पर ml से कम दिया जाता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हिपोटॉक्सिसिटी यानी लीवर पे असर करता है, आपको जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो सकती है, इसके साथ साथ नोजिया, वोमिटिंग, ड्रग फीवर, हाइपोयूरिसीमिया, ये सब प्रॉब्लम्स भी देखी जाती हैं। ठीक है, अगली बात करेंगे हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन की। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी फर्स्ट लाइन ड्रग में आता है, तो ये एक अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक कैटेगरी का ड्रग होता है, लेकिन ये एक फर्स्ट क्लिनिकली पहला एंटीबायोटिक ऐसा ड्रग है जिसको हम लोग ट्यूबरक्लोसिस के लिए सेफ और अच्छा मानते हैं, जो लेकिन ये आइसोनियाजाइड और रिफॉर्मेसिन से थोड़ा कम इफेक्टिव होता है। ठीक है, ये एक पुअर पेनिट्रेशन इनटू सेल में होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल केवल एक्स्ट्रा सेलुलर वेसल्स में ही किया जाता है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को प्रॉब नहीं कर सकता इसलिए इसको, लेकिन ये ट्यूबुलर कैविटीज़ को बॉडी में जहाँ भी ट्यूबरक्लोसिस की कैविटीज़ होती हैं उसको आसानी से पार करके वहाँ पर ये काम कर सकते हैं। मैकेनिज्म क्या होते हैं, ये एक तरह से प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। जब बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन नहीं बनेगा, तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहने वाला, उसकी डेथ हो जाती है।
सेल के अंदर क्या करता है, ये अमीनो ग्लाइकोसाइड को होता है क्या करता है, 30S राइबोसोम यूनिट से बाइंड करता है और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो ये पुअरली एब्जॉर्ब होता है, जी हाँ, इसको ओरली एब्जॉर्ब पुअर होता है थोड़ा सा GIT इंटरैक्ट में, बाकी इसके साथ इसलिए इसको इंजेक्शंस के फॉर्म में, IM के इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं, क्योंकि 30-60 मिनट के इन्फ्यूजन के फॉर्म में भी इसको सकते हैं। हाफ लाइफ 2-3 घंटे का होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्लिनिकल यूज़ की बात करें तो इसका जो क्लिनिकल यूज है, एडल्ट में 20-40 मिलीग्राम पर kg पर डे के हिसाब से इसको दिया जाता है। बाकी इसको हमेशा दूसरे ड्रग के कॉम्बिनेशन के साथ देते ताकि इसका रेजिस्टेंस ना हो और ड्रग का इफेक्ट कई गुना बढ़ सके, ये इसका सिंपल सा फंडा है। एडवर्स रिएक्शन की बात करें तो ऑटोटॉक्सिक, नेफ्रोटॉक्सिक ये हो सकता है, यानी आपके कानों पे, आपके किडनी पर असर डाल सकता है। वर्टिगो हो सकता है, सुनने में दिक्कत हो सकती है, कॉमन फीचर आपको थोड़ा कम सुनाई देगा इसको दवा खाने के बाद लंबे समय तक, और इसको 6 महीने से अधिक ये दवा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ सेकंड लाइन ड्रग की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है, तो हम शॉर्ट में सभी सेकंड लाइन ड्रग के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जैसे पहला ड्रग है, सेकंड लाइन ड्रग में कौन कौन से ड्रग है आपके सामने है, पैराबिनोसैलिसिलिक एसिड, साइक्लोशेरीन, कैनामाइसिन, एमिकासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। तो उसमें पहले बात कर लेते हैं पैराबिनोसैलिसिलिक एसिड के बारे में। ये क्या होता है, ये स्ट्रक्चर एनालॉग होता है किसका, पैराबिनोबेंजोइक एसिड यानी पापा का। इस ड्रग का ये स्ट्रक्चरल एनालॉग है, उससे मिलता जुलता ही स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। आगे बात करिए, हाईली स्पेसिफिक होता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, लेकिन अदर माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज के लिए ये कोई ज़्यादा खास इफेक्टिव नहीं होता। इसको हमेशा आइसोनियाजिड के साथ एज अल्टरनेटिव सबस्टेट मिला के कॉम्बिनेशन में देते हैं। हेपेटिक एसिलाइजेशन ऑफ आइसोनियाजिड को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये MDR ट्यूबरक्लोसिस में बहुत लिमिटेड इसका इस्तेमाल। MDR का मतलब दोस्तों होता है जो ड्रग रेजिस्टेंट TB होता है, जिस किसी इंसान को फर्स्ट लाइन ड्रग से रेजिस्टेंट हो गया हो उसको सेकंड लाइन ड्रग देना पड़ेगा, तो उस केस में इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, बस इसका इस्तेमाल कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग के साथ। दूसरा ड्रग हमारा दोस्तों है एथियोनामाइड। एथियोनामाइड भी आइसोनियाजिड कैटेगरी का ड्रग है, उससे केव के रिलेटेड है। ये माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को रोकता है जैसे उसने रोका था, और ये पुअरली वाटर सॉल्युबल है। ओरल फॉर्म में दे सकते हैं, डोजेस करीब 15 mg पर kg के हिसाब से इनिशियली 250 मिलीग्राम का डोज डेली देते हैं, बाद में इसको बढ़ाकर 250 मिलीग्राम को हम लोग दिन में 2 बार कर सकते हैं। गैस्ट्रिक इरिटेशन और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स को भी ये कॉज करता है, यानी इसका साइड इफेक्ट है। बाकी बात करते हैं कैपिरोमाइसिन की, तो कैपिरोमाइसिन एक पेप्टाइड प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, एंटीबायोटिक होते हैं। इसको स्ट्रेप्टोमाइसिस कैप्रियोलस से प्राप्त होता है। इसका इंजेक्शन जो होता है वो 15 मिलीग्राम पर kg पर डे के हिसाब से इंट्रा मस्कुलर दिया जाता है। ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के केस में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन या एमिकासिन के साथ ये कैप्रोमाइसिन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साइक्लोसेरीन ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ये जो एंटीबायोटिक है करीब ये 0.5 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक की डोज पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। क्लियर ड्रेनली इसका क्लियरेंस होता है, डोज रिड्यूस होता है हाफ से, अगर दिक्कत हो रही है तो इसका डोज हाफ कर सकते हैं हम लोग। बाकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन इंक्लूडिंग डिप्रेशन, ये सब इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसका डोज रिडॉक्सिन का 150 mg पर डे दिया जाता है। ठीक है, केनामाइसिन और एमकासिन एंटीबायोटिक की बात करें तो ये भी ट्यूबरक्लोसिस के लिए सस्पेक्टेड है माना जाते हैं, और ये बेसिकली मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन MDR TB के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं जब किसी इंसान को फर्स्ट लाइन ड्रग से एलर्जी हो गया हो। केनामाइसिन थोड़ा सा ज़्यादा टॉक्सिक होता है एब्सोल्यूट। ठीक है, एमकासिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन जो होते हैं वो थोड़ा सा कम पाए जाते हैं। ये एटिपिकल माइक्रोबैक्टीरिया के खिलाफ भी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसका डोज जो है 15 mg पर kg के हिसाब से इसको इन्फ्यूजन के फॉर्म में देते हैं। इसमें कोई क्रॉस रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोमाइसिन और एमकासिन के साथ नहीं देखा जाता है। ठीक है, इसको हमेशा कॉम्बिनेशन के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। अब फ्लोरोक्विनोल्स आप जानते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं। इसका इस्तेमाल भी हम लोग ट्यूबरक्लोसिस के केस में कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच, हम लोगों ने ट्यूबरक्लोसिस वाला टॉपिक पूरा तरह से खत्म कर लिया है। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 3 में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।